देखो दोस्तों, उत्पत्ति कहां से हुई है गॉस की प्रमेय की? उत्पत्ति जैसे कोई बिंदु है O, इस पे रखा है अपना आवेश Q, क्या रखा है? Q आवेश रखा है। अब इससे R दूरी पर एक बिंदु ले लिया हमने P। अब इस पे मान लिया एक अल्प क्षेत्रफल dA। इस बिंदु P पर क्या माना है? अल्प क्षेत्रफल dA। इससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र, अब इससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र क्या है ये हमें देखना है कि इससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र कितना है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां से जैसे ये प्लस आवेश हो गया, बाहर निकल लीजिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ से ये हो गई। अब इस क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की हो तो एक ही दिशा हो जाएगी, दोनों की एक ही दिशा हो जाएगी। तो इस क्षेत्रफल dA से निकलने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात, विद्युत क्षेत्र क्या होता है देखते हैं हम लोग। इस क्षेत्रफल से, इस छोटे से क्षेत्रफल से निकल रहा है। अब जैसे हम अगर पूरे का निकालेंगे, जैसे इस आवेश से चारों और भी निकलेगा विद्युत फ्लक्स, इधर 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 चारों निकलेगा, तो क्या हुआ पूरा पृष्ठ हो जाएगा। उसका बाद में जो होता है वो समाकलन निकाल के कर लेते हैं जैसे, तो पहले हो जाता है अपना कुल, पहले इस छोटे क्षेत्रफल dA से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अल्प क्षेत्रफल है, अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, dΦ मान लेते हैं अल्प क्षेत्रफल से, तो ED हो जाएगा, क्योंकि फाई क्या होता है विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है EdA cos थीटा, पढ़ाया हमने EdA हो जाएगा। EdA अब मान लो cos थीटा हो जाता है, यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू रखी नहीं, जैसे 0 हो जाता है इसीलिए, तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं चलो DA। अब cos थीटा, cos क्या है 0, और 0 का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो क्या होगा DA हो जाएगा, cos 0 का मान क्या हो जाता है 1, तो DA रह जाएगा अकेला। अब क्या है इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इससे जैसे प्रश्न मान लेते हैं, जैसे पी को बिंदु को आर त्रिज्या मानते हुए पी बिंदु से निकलते हुए जैसे एक हम खींच लेते हैं बर्फ आर इसके चार ओर, जैसे इससे हमें निकालना होगा इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। इस बिंदु से जैसे इस पे आवेश रखा है तो इस बिंदु के चार ओर जैसे एक प्रश्न मान लेते हैं, तो उससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है, या फिर इस बिंदु में से निकलने वाला बाहर की ओर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो बाहर की ओर हमें प्रश्न मानना पड़ेगा, तो एक काल्पनिक प्रश्न या गॉसी प्रश्न मान लेते हैं, तो इससे हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ डी फाई, यानी समाकलन ऑफ ई डी ए, ये हो जाएगा अपना समाकलन ऑफ ई डी ए। और समाकलन ऑफ ई डी ए हो जाएगा तो ये यहां से निकालेंगे हम लोग, तो ई बाहर निकल आएगा, डी ए का समाकलन कर दो तो डी ए का समाकलन कुल कितना हो जाएगा इज इक्वल टू ई ए, क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए। अब विद्युत क्षेत्र हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र जैसे क्या होता है, अब विद्युत क्षेत्र अपना हो जाएगा जैसे विद्युत क्षेत्र होता है इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, या क्यू जीरो बोल देते हैं जैसे एकांक आवेश होता है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/4 πε₀ क्यू अपॉन आर स्क्वायर दूरी आर है, तो ई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 πε₀ क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ए क्या है गोले का क्षेत्रफल। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू होता है आपका 4πr², ये क्या है गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे आपका गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 4πr², ठीक है जी 4πr² गोले का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ से आपका निकलेगा π = 4π से 4πr² से r² क्या बचा q/ε₀, तो यहाँ पे इसे दोगे अपने गॉसी प्रमेय, क्या होता है π = q/ε₀, ये कहाँ से निकला यहाँ से, तो ये कैसा निकला जैसे इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स q/ε₀ गुना होता है, तो ये तो हमें पता ही है क्यों, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले गॉस की प्रमेय पढ़ी थी तो उसमें ये था। तो ये कैसे निकल के आया, जैसे पहले हम अल्प क्षेत्रफल मानते हैं dΦ निकाल लेंगे उसका, पहले dΦ यानी कि अल्प विद्युत फ्लक्स, उसके बाद उसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद हमने ई की वैल्यू रखी और ए क्या है गोले का क्षेत्रफल, गोले के क्षेत्रफल की वैल्यू रख दी, तो अपना सीधा सीधा सिंपल ही ये आ गया टॉपिक, ठीक है जी।